तो दोस्तों क्रॉम्पटन ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है, तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं कंपनी को से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई है इस क्वार्टर में। 3 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए कंपनी के नंबर देख लेते हैं, डाटा बेस के लिए क्रॉस में दिया गया। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1692 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू, पिछले साल 1790 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 1961 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट बोल सकते हैं आप 10% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट वहीं पर 15% के आसपास की तेजी आपको देख ले। तो क्वार्टर क्वार्टर साल से साल कंपनी का रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूं कंपनी ने शो कितना किया है, 1961 करोड़ यानी कि 1961 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू, जबकि मार्केट का अनुमान भी था कि इस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 1955 करोड़ के आसपास आएगा। तो आप कह सकते हैं मार्केट का जितना अनुमान था उससे हल्का सा बेहतर आपको देखने को मिला, या कह सकते हैं इनलाइन भी आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं, पिछले क्वार्टर में 1596 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1637 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का 1808 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। खर्चे देखें तो खर्चे इस क्वार्टर में कंपनी के थोड़े से ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। उसके पीछे रीजन भी है और दो सबसे बड़ी रीजन है, जिसमें पहला रीजन तो यह है कि इन्वेंट्री, क्योंकि पिछले साल कंपनी को 75 करोड़ के आसपास का फायदा हुआ था इन्वेंट्री में, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी को 22 करोड़ के आसपास का नुकसान लगा था। यहीं पर देखें तो ऑलमोस्ट 100 करोड़ के आसपास का डिफरेंस है। फिर कंपनी के अदर एक्सपेंस को देखते हैं तो अदर एक्सपेंस में भी कंपनी इस क्वार्टर और पिछले साल के मुकाबले 50 करोड़ के आसपास ज़्यादा खर्च किए। तो अदर एक्सपेंस में 50 करोड़ खर्च किया, इन्वेंट्री के मामले में देखें तो 100 करोड़ के आसपास का उलटफेर पिछले साल के मुकाबले, जिसकी वजह से एक्सपेंस आपको थोड़े से हाई आपको देखने को मिले। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 85 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, पिछले साल 131 करोड़, अभी देखें तो 133 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके अंदर कुछ चेंज आपको देखने को नहीं मिल रही, ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 1.5% के आसपास का जंप आपको देखने मिला, जबकि रेवेन्यू 10% के आसपास बढ़ा है, फिर भी कंपनी का जो प्रॉफिट है मात्र 1.5% आपको बढ़ता हुआ देखने मिला। इसका मतलब क्लियरली है कि कंपनी के जो मार्जिन है, मार्जिन के ऊपर एक अच्छा खासा दबाव आपको पड़ता हुआ देखने को मिला इस क्वार्टर में, जबकि क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। हालांकि ये जो कंपनी है सेक्टर वाइज काम के लिए तो साल दर साल आपको जज करना चाहिए, साल दर साल देखें तो कंपनी के मार्जिन है उसके ऊपर एक अच्छा खासा असर आपको पड़ता हुआ देखने को मिला। EPS की बात करें, पिछले क्वार्टर में 1.35, पिछले साल 2.07, अभी देखें तो 2.16 के आसपास आपको देखने को मिला है। मैं आपको बता दूं कंपनी ने प्रॉफिट तो 133 करोड़ के आसपास का शो किया है, जबकि मार्केट का अनुमान भी था कि इस क्वार्टर में कंपनी के जो मार्जिन है उसके ऊपर एक अच्छा खासा दबाव आपको देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट 122 करोड़ के आसपास का उम्मीद था मार्केट को कि इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट आएगा, लेकिन उससे देखें तो थोड़ा सा बेहतर आपको देखने को मिला। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।